ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में हम आगे बढ़ते हुए आज आठवां क्वेश्चन करेंगे। साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 25 कॉस 55 ये दिया हुआ है, पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये भी 35 होगा, ठीक है ना। तो करते हैं हम पहले LHS ले रहे हैं, साइन 35 को तो ऐसे लिख दिया, साइन 90 माइनस 35 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री और ये हो गया है कॉस 90 माइनस 35 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया है साइन 35 डिग्री, ये चेंज हो गया है कॉस 35 डिग्री, यहाँ कॉस 35 अपने पास ऑलरेडी था और ये हो गया है साइन 35 डिग्री। तो सेम थिंग में से सेम घटाएंगे या माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, आंसर जीरो। ये हो गया अपना RHS। अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे, कॉस 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। RHS अपने को दिया हुआ है जीरो। इसमें भी अपन LHS से स्टार्ट करेंगे, कॉस 70 तो ऐसे लिख देंगे अपन और नीचे अपन इसको चेंज करेंगे साइन 90 माइनस 70, ठीक है। प्लस अब अपन इसमें ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, कॉस 90 माइनस 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन 30 कितना होता है अपने पास 1/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया हुआ है अपने को, ये चेंज हो के कॉस 70 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री आ गया है प्लस प्लस ये ना अपना हाँ ये कॉस चेंज हो के हो गया है साइन 31 डिग्री अपॉन नीचे ऑलरेडी गिवन है 31 डिग्री माइनस 8 2 2 4 हो गया है 1/4 4 से कट गया तो यहाँ बचेगा 2, इससे ये कट गया है इससे ये कट गया है 1 + 1 - 2 तो 2 - 2 अपने पास आ गया है 0 इजिकल, ये अपना RHS है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, 10th और 11th अपना होमवर्क में है, तो अब अपन आते हैं 12th क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज करके आप लिखते रहना और ये सभी चीज़ें क्लास तक में उतारनी, बहुत जल्दी स्कूलें खुलने वाली है इसलिए अपना काम कंप्लीट रखना, क्योंकि अभी एक बार इसके आगे ही पढ़ाया जाएगा, बाद में यदि अपने पास समय बचेगा तो हम इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास बोर्ड क्लासेस है तो हाफ ईयरली में अपना मैक्सिमम कोर्स आता है, ठीक है ना। टेन 90 माइनस थीटा और थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू जीरो। यहाँ पे भी हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और ऑलरेडी अपने पास एक और कॉट थीटा है और नीचे है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया अपना कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अपॉन में अपने पास कॉसेक है तो इसको भी अपन साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब इसमें क्या हो रहा है अपने पास, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये अपने आरएचएस आ गया, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ये करना शुरू कर देती हूँ मैं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, अपने को आंसर लाना है साइन स्क्वायर थीटा। स्टार्ट करेंगे अपन एलएचएस से, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन को अपन क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया है, साइन स्क्वायर थीटा जो कि अपना आरएचएस है, यहां से देख लीजिए ये चेंज हो गया है साइन थीटा, ये चेंज हो गया है कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा सॉरी टेन थीटा को चेंज करना था। टेन थीटा को अपन चेंज करेंगे थीटा को चेंज करना भूल रहे हैं, कोई बात नहीं अपन वापस कर लेते हैं। टेन थीटा को चेंज किया तो कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे आ गया अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू आर एच एस, ये हमारा तो हो गया है 13 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें 14 क्वेश्चन अपन होमवर्क में है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगला अपन अगले वीडियो में करेंगे।